नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुटेक में। गाइस, यूपी स्कॉलरशिप 2021 से रिलेटेड बहुत बड़ी खुशखबरी आई है सभी छात्रों के लिए। इंपॉर्टेंट अपडेट है यार, वीडियो में तलक बने रहिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपको बता दूं कि जिन भी छात्रों का उनको लग रहा था कि मेरा तो स्टेटस ब्लैंक दिखा रहा है लेकिन मेरी छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी, तो भाई घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कई सारे छात्रों ने कमेंट करके बताया, इस बात की पुष्टि कर दी है कि स्टेटस ब्लैंक होने के बाद भी स्कॉलरशिप आ रही है। और इस विषय में जब हमने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि भैया 2 दिन तक वेट कीजिए, मतलब 10 तारीख तक लेटेस्ट मान के चलिए कि सभी छात्रों का जो स्कॉलरशिप है उनके बैंक अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और इस चीज़ को आप मान के चलिए, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी का स्कॉलरशिप आएगा, किन कैटेगरी के छात्रों का स्कॉलरशिप नहीं आने वाला है और किन का आएगा वीडियो में फर्दर डिटेल में बताऊँगा। आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊँगा कि किस छात्रों का आया है और किन छात्रों का भी स्टेटस ब्लैंक होने के बाद नहीं आया है। तो भैया आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और आप लोग यार बस गलती करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ठीक अच्छी बात है, लेकिन आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट नहीं करते, इससे थोड़ा सा मूड जो होता है वो ऑफ हो जाता है। तो ऐसा ना किया करो यार भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दिया करो और वीडियो को अभी लाइक कर दो। और जो भी मतलब आप सवाल जवाब करना चाहते हैं मेरे से इंस्टा पे पर्सनली, क्योंकि मैं यूट्यूब पे सारे कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ इधर पिछले एक हफ्ते से, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जो भी सवाल है उसको कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, जिन भी छात्रों का ब्लैंक स्टेटस है उसके बाद भी स्कॉलरशिप आ रही है, ताबड़तोड़ स्कॉलरशिप आ रही है। समाज कल्याण विभाग ने कहा कि 2 दिन में आ जाएगी। अब किन छात्रों की नहीं आएगी, जिन भी छात्रों का 55% के भी, देखो भैया अगर आपका फॉर्म DWO से वेरीफाई है या फिर रिकमेंडेड बाय स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है और उसके बाद आपका स्टेटस ब्लैंक हुआ है, तो ऐसे छात्रों की स्कॉलरशिप फर्दर आने वाली है। 2 दिन में उनके बैंक अकाउंट तक क्रेडिट कर दी जाएगी। इट मे बी डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट आर आइदर फ्रॉम PFMS, तो PFMS के थ्रू या फिर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में हो जाएगा, तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। हाँ, एक दो चीज़ और, जिन छात्रों का 55% के बिलो है उन छात्रों का स्कॉलरशिप ना आने के बराबर चांस है। जिन छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है तो उनका नहीं आएगा, पेंडिंग वालों का आ सकता है, क्योंकि स्कॉलरशिप का जो स्टेटस वो अपडेट होने वाला है आज या कल में हो जाएगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो उन छात्रों का आएगा ज़रूर, मतलब कुछ ना कुछ हद तक चांस है। तो आप लोग यार परेशान मत होइए। चलिए आपको कमेंट्स दिखा देते हैं। भैया एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं यार, कि देखो यूपी बीएड वाले हो या DLED वाले, थोड़ा सा इंतज़ार करो, धैर्य रखो। और बी फार्मा वाले 9 तारीख को आप मान के चलिए, आज डेट हो गई है 7/8/9 को मान के चलिए, 9 के बाद से स्कॉलरशिप आपकी आएगी और तेज़ी से आएगी। देखिए अब अमाउंट क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है, 55% अभी देखिए मैं वोटिंग करवाऊंगा इसी चैनल पे, तो वोट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स दिखा देते हैं एज अ प्रूफ के तौर पर। तो गाइज यहाँ पे इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि नीलम साहू जी का कहना है कि सर मेरी स्कॉलरशिप जो है वो आज आ गई 31,000 रुपये BEd का। तो देखिए ऐसे कई सारे छात्रों का स्कॉलरशिप आ गया, 2-3 मैं आपको कमेंट का और प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पे बातचीत होगी फर्दर, क्या नए सवाल हैं, क्या छात्रों का कन्फ्यूज़न है, तो चलिए उन चीज़ों को भी देखते हैं। तो गाइज यहाँ से आप साफ साफ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जयप्रकाश पटेल जी का कहना है कि सर मेरा 99,400 रुपये आ गया है, आई एम वेरी हैप्पी। तो देखिए आज इन छात्रों का जो स्कॉलरशिप है वो आज आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप आ रहे हैं, उन छात्रों का भी स्टेटस का प्रॉब्लम था, ऐसे कई सारे छात्र हैं उनकी स्कॉलरशिप आ रही है। रुद्र प्रताप सिंह जी का कहना है कि सर जी ऐसे क्यों हुआ कि जो मेरा स्कॉलरशिप था, मतलब यहाँ पे देखिए किंग गेमिंग एंड मूवी का कहना है कि सर क्लास 12th में कितने परसेंटेज तक स्कॉलरशिप आ रहा है, एक वीडियो बना दो प्लीज़। भाई देखिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड हुआ था 55% का। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे या जिन भी छात्रों के जहन में ये सवाल होगा तो ज़रूर इस चीज़ को समझ लें कि क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था जो कि 55% का था, लेकिन फॉलो नहीं हुआ यार। कई सारे छात्रों का 55% के बिलो था तब पर भी उनकी स्कॉलरशिप और फीस वापसी भरपूर मात्रा में हुई है, मतलब अच्छे अमाउंट में आई है, तो वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर कर रहा है आप प्रोफेशनल कोर्स से हैं या नॉन प्रोफेशनल कोर्स से। अगर आप प्रोफेशनल से हैं तो आपका नहीं आएगा, अगर आप 55% के बिलो है नॉन प्रोफेशनल कोर्स है तो आपका आएगा। तो देखिए एक और कमेंट आया है कि मेरी 32,000 आ चुकी है और मैं BEd फर्स्ट ईयर का हूँ, मेरी अभी और आएगी क्या। देखिए इनकी जो स्कॉलरशिप है वो 32,000 रुपये आ जा गई, इनका कहना है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्दर आएगा या नहीं। देखिए भाई चांस कम है आए या ना आए कुछ कह नहीं सकते अभी। एक के मौर्या जी का कहना है कि सर मेरे कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दीजिए, क्या इस समय मैं अगर दूसरा बैंक अकाउंट ओपन करूं विथ आधार लिंक अकाउंट तो उसमें स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि मेरा अकाउंट आधार से लिंक नहीं है और लिंक भी नहीं करा सकता बिकॉज मैं अदर स्टेट्स से हूँ। तो भाई देखिए अदर स्टेट वाले परेशान हो सकते हैं आप लोग, अगर आप खुलवाने को खुलवा लीजिए आधार से, अगर लिंक करवा ले रहे हैं 1-2 दिन के अंदर
और उसके बाद क्या हो जा रहा है कि आपका 2 दिन बाद स्कॉलरशिप आ रहा है, तब तो आ सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है, आप खुलवा लीजिए। पंकज यादव जी का कहना है कि मेरा भी आज जो अमाउंट है वो 15,000 आ गया है। तो देखिए भैया, इनका भी अमाउंट आया हुआ है, इसीलिए आप सभी से कह रहा हूँ ना यार, आप लोग मतलब आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, धैर्य रखिए। जिन भी छात्रों का स्कॉलरशिप ब्लैंक है उनका भी स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी। चलिए कुछ और फर्दर कमेंट्स देख लेते हैं। हिमांशु सिंह जी का कहना है कि MBA फर्स्ट ईयर स्टिल नॉट रिसीव द स्कॉलरशिप आफ्टर द स्टेटस हैज़ बीन वेरीफाइड रिकमेंडेड नॉट इन अ सिंगल कॉलेज इवन माय कॉलेजेस। तो इनका कहना है कि भैया पूरे मेरे कॉलेज में पूरे MBA जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं सबका जो फॉर्म है वो वेरीफाइड या रिकमेंडेड है, मगर अभी तक किसी की स्कॉलरशिप नहीं आई, #pickmycomments। तो ऐसा क्यों? तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है भैया कि आपको इंतज़ार करना का ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कॉलेज का नंबर ही ना आया हो। अब आप अपने कॉलेज के कर्मचारी से बात कीजिए जो स्कॉलरशिप को डील कर रहे हैं। अर्जुन यादव का कहना है सेकंड इंस्टॉलमेंट OBC की कब आएगी? तो भैया OBC के सेकंड इंस्टॉलमेंट जनरली नहीं आती है। चलिए शालिनी पांडे जी का कहना है कि #pickmycomments सर ब्लैंक कब सही होगा, लग रहा है अब नहीं आएगी स्कॉलरशिप। देखिए भैया पूरा वीडियो तो मैं इसी पे बना दिया हूँ कि जिनका ब्लैंक है उनकी भी स्कॉलरशिप आ रही है, बस फर्क इतना है कि DW से वेरीफाई होना चाहिए, रिजेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। तो गाइज यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए भी जरा सा भी हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो बनता है, और अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचो समझो मत यार, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती आपका आपका भाई हर एक छोटी बड़ी अपडेट, खुशी की अपडेट हो या फिर दुखखबरी हो, हर चीज़ टाइम टू टाइम आपको पहुँचाता है। तो आपका भी बदले में एक फ़र्ज़ तो बनता है यार कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दिया जाए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। बाकी आप लोग अपना जो प्यार है उसको दिखाते रहिए। तो गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।